बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 एमएनए साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुजाहिमत कभी न की है न करते हैं। मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशिदगियां नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर एफआईआर केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात है असेंबली के दरवाजे के बाहर। असेंबली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 एमएनए साहिबान असेंबली की प्रेमिस से नकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मरतबा सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पे आएगी। इस मरतबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाजे करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को जद कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए, लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत के खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम धरने पे नहीं गए, हम बॉयकाट की तरफ नहीं गए, हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% आवाम की नुमाइंदगी कर रही है उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलाहिदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की अख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA ताने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को जदकोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवा, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाजे करना चाहते, जो ज्यूडिशियल पैकेज आ रहा है उस ज्यूडिशियल पैकेज की हम शदीद मुजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही,
ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चेंज जजेस को नवने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाल्लाह ताला अदली अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाल्लाह इजाजत देंगे। एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसार बरसर इक्तदार आएगी तो हम इंशाल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से जलसा लाहौर में किया जाएगा, कैसी तैयारियां? आपके वज़ीर-ए-आला केपीके ने बोला हमारा अगला जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से देखे। सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया आप कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मैंने ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है, अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे, इसके हाई कोर्ट में कल इंशाल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफे लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास साथ, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखे मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है, उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूंकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो एक चीज है, जलसा इंशाल्लाह ताला होगा, हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे, इंशाल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। अभी आपने कहा कि हल निकालना होगा, पार्लियामेंट की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहाँ पार्लियामेंट पर हमने देखा गुज़श्ता रोज के चंद अफराद जो के चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया, तो पार्लियामेंट की हुर्मत के लिए पीटीआई का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इकदाम क्या होगा? हम इसकी शदीद में और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मजम्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है, पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसलम उसूल हैं कि उसका तकद्दस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, नॉन ऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है ईमान की तौहीन हुई है, स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे, जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी आर्डर हो, इसका इनिशियल आर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इलीगल है, इलीगल अरेस्ट हुए उन प्रेमिस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। देखें दो नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है, जहाँ तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिलाजारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इकदाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं? देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी। थैंक यू सो वेरी मच।